ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर शुरू किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। नमस्कार, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौरव कुमार पाठक हमारे खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आप सबों को एक ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने राजनीति, समाज सेवा, अध्ययन और अध्यापन सभी क्षेत्रों में एक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और जन कल्याण में लगातार सक्रिय हैं। तो मिलते हैं नगर निगम बेगूसराय के वार्ड 7 के वार्ड पार्षद राम सागर चौधरी जी से। नमस्कार, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार केवी स्टूडियो, और खास करके हमारे जो डॉक्टर साहब रोशन जी हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनका जो मिशन है केवी स्टूडियो का, जो विभिन्न गांवों से उन तमाम बच्चों को जो अपनी मेहनत के बल पर कुछ अच्छे कार्य करते हैं उसको एक नया मंच देने के लिए उन्होंने जो केवी स्टूडियो की सोच और स्थापना की है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे केवी स्टूडियो के लिए जो आपने अपने विचार दिए हैं, और आशा करते हैं कि हमारा जो केवी स्टूडियो है जिसका सोच है कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, इस सोच को आगे बढ़ाएगा। सर, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए हैं तो सर प्रथम आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरा नाम राम सागर चौधरी है और मैं नगर निगम क्षेत्र डुमरी का निवासी हूँ और फिलहाल 2011 से वर्तमान अभी तक दूसरी टर्म में मैं नगर निगम का वार्ड पार्षद हूँ, और पढ़ाई के साथ साथ सोशल वर्क में मेरा इंटरेस्ट रहा है और सोशल वर्क के द्वारा ही मुझे लोगों ने वार्ड पार्षद बनाया और मैं जीडी कॉलेज से एमए किया हूँ और स्टडी के साथ साथ सोशल वर्क करता हूँ। किस विषय से आपने सर एमए किया है सर? जी, मैं हिस्ट्री से एमए किया हूँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से और जीडी कॉलेज में से पढ़ाई किया हूँ। सर, आपने भी कहा कि आप सामाजिक क्रियाकलाप के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल रहे हैं, अध्ययन और अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं। सर, एक साथ इतनी गतिविधियाँ, राजनीति करना, राजनीति का एक हिस्सा होना, शिक्षा भी देना, शिक्षा लेना भी, और साथ ही साथ जन कल्याण में आपकी भागीदारी, कैसे कर पाते हैं एक साथ ये सब? जी, बचपन से ही एक ऐसा मुझे शौक रहा है कि मैं सामाजिक गतिविधियों में भाग लूं, और मेरी परवरिश बहुत ही निम्न स्तरीय गरीबी के कारण बहुत ही नीचे से मैं अपने जीवन की शुरुआत किया हूं। तो मैं सर्वप्रथम पढ़ाई के साथ साथ एक कोचिंग खोला था जिसका नाम था टारगेट प्लस एजुकेशन। उसमें उन तमाम गरीब बच्चे जो पढ़ाई से वंचित रह जाते थे, जो उच्च शिक्षा हासिल नहीं करते थे, उनके लिए मैंने निःशुल्क 2000 से 2020 तक, जो अभी चल रहा है इस पीरियड तक, अभी तक उसको निःशुल्क पढ़ाने का काम किया। आपने जो शैक्षणिक संस्थान शुरू किया जी, वो लगातार 20 वर्षों से निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। जी जी, ये तो एक समाज के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। और उसी समाज जिसको मैंने उस मिशन तक पहुंचाया, मैट्रिक इंटर की पहले पढ़ाई करवाता था उन लोगों से, उसमें बहुत सारे शिक्षक भी थे जो निःशुल्क पढ़ाते थे। बहुत बड़ी बात है ये, और उसी का परिणाम है कि उन लोगों ने सकारात्मक सोच और अच्छी विचार को देखा और उसी विचारधारा के अनुसार उन्होंने मुझे वार्ड पार्षद पद तक भी पहुँचाया। यानी लोगों ने आपके छात्रों के हितों में किए गए इस योगदान के कारण जी आप जन कल्याण में इतने सक्रिय रहे, गरीब छात्रों को आपने निःशुल्क शिक्षा दिया और लगातार देने का प्रयास भी कर रहे हैं, इसके कारण आपको जनता ने अपनी सेवा के लिए चुना जी। अच्छा सर, आप नगर निगम वार्ड 7 के पार्षद हैं और पिछले 2 टर्म से आप जीते हुए हैं, नगर निगम बेगूसराय के बारे में क्या सोच रखते हैं? नगर निगम बेगूसराय जब 2011 में नगर निगम बना, इसके पहले नगर पालिका थे, तो हम लोगों का गांव भी पंचायत था और 2011 में ही नगर निगम बना, और संजोग से सौभाग्य कहिए कि मैं उस नगर निगम का पहला अपने गांव का वार्ड पार्षद बना जो वार्ड नंबर 7 कहलाता है, और अभी तक इस पद पर हूं। तो बेगूसराय में अच्छे लोग बहुत सारे हैं जिनकी सकारात्मक सोच भी है, और सभी लोग जब स्वार्थ छोड़कर निस्वार्थ भावना से अगर बेगूसराय के जन कल्याण में अगर अपना अपना छोटा छोटा भी योगदान देंगे तो निश्चित रूप से बेगूसराय
एक अच्छे नगर निगम के तौर पर पूरे बिहार ही नहीं बल्कि भारत देश में इनका एक अलग पहचान होगी। लेकिन इसमें राजनीतिक से हटकर एक सामाजिक और निस्वार्थ भावना से इसके विकास में कार्य करनी होगी। यानी यूं कहें कि बेगूसराय के विकास के लिए, लोगों के जनकल्याण के लिए राजनीति से नहीं, सामाजिक दायित्व का बोध हो लोगों के में, और बेगूसराय और का विकास करें, यहाँ के लोगों का विकास करें। सर, बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और आप राजनीति के परिवार से जुड़ाव रखते हैं, राजनीति का एक अहम हिस्सा हैं। मेरा यह प्रश्न रहेगा आपसे, मैं यह जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगा आपके द्वारा, कि किस दल को या किस विचार से या किस दल से आप प्रभावित थे? मैं राजनीति में अभी तक किसी पार्टी का ना सदस्य हूँ और ना ही सोचा हूँ, लेकिन मैं व्यक्ति विशेष पर, मैं चुनाव में व्यक्ति विशेष को निश्चित रूप से, वैसे व्यक्ति जो स्वच्छ छवि वाले हो, जो अच्छे हो, ईमानदार हो, उसको मैं अपना वोट देता हूँ। और मैं राजनीति में आया हूँ। आप राजनीति में स्वयं हैं लेकिन आपने किसी दल का अभी तक जो है सदस्यता नहीं लिया है? नहीं, बिल्कुल या नहीं। किसी दल का प्रचार प्रसार आप नहीं करते हैं? क्योंकि मेरा इस नगर निगम में आना ये मेरी इच्छा के विरुद्ध थी। मैं अच्छा, आप नहीं चाहते थे? नहीं चाहते थे कि मैं नगर निगम का पार्षद बनूं। बचपन से ही एक इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विसेज, चाहे UPSC हो या BPSC हो, मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं और जाकर उन गरीब बच्चों जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हैं उन तक मैं अपनी सेवा दूं, उनकी सहायता करूं, उसे पढ़ने में आगे बढ़ाऊं, ये मेरी सोच थी। लेकिन गाँव के तमाम लोगों की इच्छा थी कि नहीं कि वार्ड पार्षद बन जाए। और एक मीटिंग हुई जिसमें मेरे एब्सेंट में, उस मीटिंग में विचार आया कि सागर नाम का व्यक्ति है, इस वार्ड का वार्ड पार्षद बनेगा। और जब मुझे वह नाम सूचित किया गया तो मैं दो दिनों तक सोचता ही रह गया कि मैं कैसे इसको कर पाऊँगा। ना ना होते हुए हाँ हुआ, हाँ के बाद मुझे जीत मिली। और पहली जब जीत हुई तो मात्र 172 वोट से पहली बार जीता जी। और दूसरे टर्म में तो मुझे वोट की कुछ अंदेशा ही नहीं था कि मैं हारूंगा कि जीतूंगा, लेकिन इतना विश्वास था कि लोगों ने मुझे उससे चार गुने वोट, यानी कि 700-800 से जिताने का प्रयास। पहले बार जो आपने अपने क्रियाकलाप के दौरान, अपने कार्यालाप जो आपकी कार्यावधि थी उसमें आपने जो जनता की सेवा की, जनता ने उसका आशीर्वाद आपको दूसरे टर्म में भी दिया जी। बिल्कुल। अच्छा राम सागर जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने कहा कि आप राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन जनता की इच्छा को सिरोधार करते हुए, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आप राजनीति में आ गए, और आपकी इच्छा यह थी कि आप प्रशासनिक सेवा में जाकर प्रशासनिक सेवा के द्वारा जन कल्याण करें, गरीब जो ऐसे निसहाय छात्र हैं उनके अध्ययन की जो लिए जो व्यवस्था हो सकती है उसके लिए आप काम करें, ये आपकी सोच थी। तो मुझे ऐसा जानकारी मिला है कि आपने BPSC का PT क्वालिफाई किया अभी भी, और आप निरंतर उसके लिए लगे हुए हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, और मेंस में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी तैयारी अधूरी रह गई या क्या कुछ रहा, क्या कमी रह गई जिसके कारण आपने मेंस क्वालिफाई नहीं किया? सर, अभी भी मैं सामाजिक कार्य क्लब के अलावा जो नगर निगम का कार्य क्षेत्र है उसको करते हुए मैं अपने स्टडी को, चाहे जिस समय भी मुझे मौका मिले, मैं उसका भरपूर फायदा उठाता हूं। और BPSC का अभी भी मैं तैयारी कर रहा हूं, और फिलहाल जो ये दरोगा है इसका PT का रिजल्ट हो गया है और मेंस इसका 23 अगस्त का था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो मैं अभी भी प्रयासरत हूँ कि मैं किसी अच्छे जॉब में जाऊँ और उसमें जाकर, जिस तरह अभी मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, उसमें जाकर मैं अपनी, यानी कहीं अपनी, यूं कहें अपनी कि आज भी आप राजनीति से संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं। यानी आज भी आप यही चाहते कि आपकी जो अपनी सोच थी, जो जीवन का लक्ष्य था, पहला लक्ष्य था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना है, बिल्कुल आज भी उसके लिए आप प्रयासरत हैं जी। और ये प्रयास मैं कंटिन्यू जारी रखूंगा, और जब तक मुझे मंजिल नहीं मिलती है उस मंजिल की खोज में मैं हमेशा प्रयास रखूंगा, प्रयास करता रहूंगा। और तमाम लोगों को भी यह संदेश देना चाहता हूं कि जीवन में कभी भी अपने पेशेंस को नहीं खोना है, और अच्छे से अच्छे कार्य करना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी, हमारा KV स्टूडियो आपके लिए शुभकामना करता है, और संपूर्ण KV स्टूडियो परिवार की ओर से आप जो आपका सपना है वो निश्चित रूप से साकार हो और आप हमारे संपूर्ण बेगूसराय का गौरव बने। सर, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो हमारे युवा
दर्शक, हमारे युवा साथी, हमारे युवा भाई जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, क्योंकि मुझे यह जानकारी है कि आपने रेलवे ग्रुप डी का दो दो बोर्ड का एग्जाम क्वालिफाई किया, फिर आपने उस जॉब को छोड़ दिया। इसके अलावे आप बिहार दरोगा का पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं और मेंस की तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी का भी आपने पीटी क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। इन तरह इसके अलावा भी बहुत सारी प्रतियोगिता को आपने तैयारी की है, उसको कम्पीट किया है। तो जो छात्र, जो हमारे युवा भाई इस तरह की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपके क्या संदेश होंगे ताकि वो उसे अपनाकर अपने प्रतियोगी परीक्षा में उसका लाभ उठा सकें? देखिए, आज के जो परिवेश है उसमें कोई ऐसा नौकरी नहीं है जो खराब है, लेकिन जिसमें मेरा प्रिपरेशन था उसमें मुझे लगता था कि मैं ये छोटे छोटे, आपने रेलवे ग्रुप डी का सर, चूंकि लोग उसके लिए भी लाइन लगाए हुए हैं, हजारों हजार नहीं लाखों की भीड़ होती है। आपने देखा होगा पिछले बार जो एग्जाम हुआ ग्रुप डी का, या इस तरह के रेलवे की जो एग्जाम वैकेंसी आते हैं तो लाखों की संख्या होती है। उसी समय की सर बात बता रहा हूँ आपको, उस समय मेरा 4 SM हुआ था, भोपाल, पटना, मुंबई और रांची। जी जी। तो मुझे लगता था कि ग्रुप डी में जाने से मुझे ये जो बड़े बड़े जो जॉब जो एस एम, आपकी सोच उसे बहुत बड़ी थी, एस एम था, गुड्स गार्ड था और बीपीएससी वगैरह था, तो मुझे लगता था कि इसमें जाने से मेरा जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं ग्रुप डी दोनों, भुवनेश्वर और कलकत्ता दोनों का फाइनल 3 बार आया था अपॉइंटमेंट लेटर, और अंत में और एक और भी कारण था उसे छोड़ने का, क्योंकि 2011 में मैं निगम का पार्षद बना और 6 महीना के बाद मेरा अपॉइंटमेंट आ गया। अब मैं इस परिस्थिति में, मैं जनता को देखूं कि अपना मतलब जॉब करूं, इस परिस्थिति में मुझे वह जॉब छोड़ना पड़ा। और मुझे ये भी लगता था कि अगर इसको डी ग्रुप का जॉब छोड़ दूंगा तो मैं कोई अच्छे जॉब प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि मैं उस समय बहुत ही कंटिन्यू था पढ़ाई में, और नगर निगम में आने के बाद थोड़ी पढ़ाई में परेशानी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी सामाजिक कार्य करते हुए, नगर निगम के कार्य को करते हुए अपनी पढ़ाई को कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं करता हूं और तमाम बच्चों को कोचिंग भी करवाता हूं। तो ये तो सर बहुत बड़ी बात है कि राजनीति भी करना, पुनः एक बार मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इसके लिए, राजनीति भी करना, खुद अध्ययन करना, शैक्षणिक संस्थान को भी चलाना, कैसे कर लेते हैं आप? देखिए, बचपन से ही मैं सेल्फ स्टडी ही क्या हो, क्योंकि मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी, तो मैं किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन बहुत किताब खरीदने का मुझे, और यानी स्वाध्याय आपने बहुत किया है। हाँ, किताब खरीद कर मुझे बहुत पढ़ने का शौक। आज भी मेरे कोचिंग में जाइएगा तो आपको 500-400 किताब आपको मिलेगा, जो बीपीएससी, यूपीएससी और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित बुक है। तो सेल्फ स्टडी किया, उसी दौरान मुझे लगा कि जब मैं किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में नहीं गया तो हमसे जो भी गरीब होगा वो भी कहीं नहीं जाते होंगे, इसलिए मैंने उस कोचिंग को जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ मैं कंपटीशन की भी तैयारी करने लगा, जिसका परिणाम हुआ कि कोई रेलवे, एसएससी, नेवी और बैंक में आज बिहार और राज्य सरकार दोनों में कार्यरत तकरीबन 20 से 25 ऐसे बच्चे होंगे जिसका लिस्ट मैं आपको कहिएगा तो एक वीडियो के माध्यम से आपको भेज दूंगा। यानी आपके आपने जो संस्थान खोला टारगेट प्लस, जी जी, तो उनके द्वारा जो पढ़कर छात्र यूं कहें कि आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न सेवा में कार्यरत हैं, तो ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है आपके लिए भी और हमारे बेगूसराय के लिए भी। और हम आशा करते हैं कि आप यूं ही छात्रों के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में लगातार प्रयासरत रहेंगे। सागर जी, बेगूसराय जो औद्योगिक राजधानी थी, कहीं ना कहीं जो इसका गौरवशाली इतिहास था, आज उस बेगूसराय को वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। तो आप चूँकि नगर निगम के, आप उस परिवार के सदस्य हैं, राजनीति के सदस्य हैं, हमारा बेगूसराय, चूँकि हमारे मुहिम का भी यह मुख्य उद्देश्य है कि हमारा बेगूसराय कैसे विकास करें, तो सर बेगूसराय के विकास के लिए आपकी क्या सोच है? देखिए, सबसे पहले मैं गौरव जी ये बताना चाहूँगा कि कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति आज तक सकारात्मक सोच लेकर बेगूसराय की डेवलपमेंट की बात नहीं की। जो छोटे छोटे हमारे पुराने उद्योग थे जैसे फर्टिलाइजर, वो बंद हो गया, जिससे काफ़ी परेशानी यहाँ के लोग, आज तो उसको फिर से सर शुरू किया जा रहा है। शुरू अच्छी बात है। तो ये 15 साल या 20 साल के दौरान एक भी ऐसे इंडस्ट्री नहीं है जो बेगूसराय में लगाया गया, जबकि बेगूसराय इस शहरी क्षेत्र का एक हब है जिसको हट कहा जाता है और यहाँ असीम संभावनाएँ हैं, लेकिन सकारात्मक सोच नहीं रहने के कारण, गंदा पॉलिटिक्स रहने के कारण, एक दूसरे में मतभेद, कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहें,
एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के कारण क्या हुआ कि हमारा जो अपना बेगूसराय जो जिसके लिए हम गौरव करते थे, आज उससे हम संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। सर, इसमें कैसे सुधार हो सकता है? इसमें सुधार सिर्फ अपनी जो स्वार्थ है उसको त्यागें, राजनीतिक से ऊपर उठकर सामाजिक स्तर की सोच रखें, और बेगूसराय में आज एक मेडिकल कॉलेज हो जाता, एक यूनिवर्सिटी बन जाती, छोटे छोटे उद्योग होता, तो निश्चित रूप से बेगूसराय, ऐसे भी बेगूसराय औद्योगिक केंद्र है, हब है जिसका हम कहते हैं, लेकिन उसमें उसकी गुणवत्ता को बढ़ानी चाहिए। उसके बावजूद उस घट ही रहा है तो विकास होगा कैसे? अच्छा, तो हम तमाम लोगों की यह आशा और अपेक्षा है कि जो हमारे उच्च प्रतिनिधि है, जैसे सांसद महोदय हैं, मंत्री महोदय हैं, और हम तो एक छोटे से विधायक हैं, हम तो एक छोटे से जनप्रतिनिधि है जो सिर्फ 45 वार्ड के शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनका बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्र है, उनसे मैं अपील करता हूँ कि वो बेगूसराय को औद्योगिक हब बनाने के लिए केंद्र से, माननीय प्रधानमंत्री से ऐसे ऐसे उद्योग लगाए, मत्स्य उद्योग हो गया, पार्क बनवाए, कोई पर्यटन स्थल बनाए। जी बिल्कुल, मैं इसी की बात कर रहा था कि हमारा बेगूसराय पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा केंद्र हो सकता है, क्योंकि गढ़पुरा में श्री कृष्ण बाबू ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की, जो हमारा देश उसमें नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, उसका गढ़पुरा में कृष्ण बाबू ने इसको किया, और भी बहुत सारे हमारे केंद्र हैं, जयमंगलागढ़ है, एशिया का सबसे कांवर झील पक्षी विहार, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, नौलखा मंदिर है हमारे बेगूसराय में, बहुत सारे क्षेत्र हैं, ठीक है, जिसको लेकर हमारा बेगूसराय जाना जाता है। तो यूँ कहा जाए कि पर्यटन उद्योग को भी यहाँ बढ़ावा दिया जा सकता है, क्या कहेंगे इसमें? बिल्कुल, पर्यटन उद्योग को इसलिए भी बढ़ावा दिया जा सकता है क्योंकि जितना भी नगर निगम फंड आता है, करोड़ों का करोड़, उसमें 20% वो पर्यटन केंद्र, पार्क, इसी पर खर्च करने के लिए आता है। लेकिन आपकी मानसिकता अगर अच्छी हो, आपका सोच अच्छा हो, आपको ज़मीन अवेलेबल हो, तो उसमें तो जितना करोड़ आता है उसका 20% पर्यटन क्षेत्र में ही खर्च करने के लिए आता है। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं उस पर काम हो रहा है, जबकि आपका नौलखा मंदिर, उसके आसपास भी कोई भूमिदाता भूमि देने के लिए तैयार थे पार्क के लिए, वो नहीं बन रहा है। बहुत सारे ऐसे, इतना पैसा है नगर निगम में कि अगर सकारात्मक सोच रहे तो निश्चित रूप से बेगूसराय को बहुत ही आगे बढ़ाया जा सकता है। पूरे बिहार में जो 11 नगर निगम है उसमें बेगूसराय एक अव्वल नगर निगम बनेगा, लेकिन आपकी सकारात्मक सोच हो, उस पर आप मेहनत करें। मेहनत कराने के लिए आपके हैंड में बहुत सारे पार्षद हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे जगह चयनित करें और एक ऐसे पार्क का निर्माण करें, एक ऐसे पर्यटन स्थल का निर्माण करें, खेलकूद के मैदान का निर्माण करें। ये नगर निगम क्षेत्र में आता है, उसके लिए विशेष पैकेज भी आता है, तो इससे हम लोग बेगूसराय नगर निगम का जो विकास है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सुंदर विचार दिया, और आशा करते हैं कि हमारा जो बेगूसराय है यह पुनः अपने गौरव को पाएगा, और हमारे जो भी बेगूसराय के जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, वो इस पर जरूर ध्यान देंगे, और सुंदर बेगूसराय का जो है विकास होगा, और एक सुंदर समृद्ध बेगूसराय हमारे सामने होगा। सर, कोरोना वैश्विक महामारी जिसने संपूर्ण मानव के जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इससे त्रस्त नहीं है, इस वैश्विक महामारी के समय भी आप निरंतर जनसेवा में लगे रहे, तो उस के बाद आप जो फील करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कोरोना वायरस निश्चित रूप से एक वैश्विक बीमारी है, महामारी है। मैं जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे, क्योंकि हम लोग का जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है लेकिन उसे शहरी बना दिया गया है, तो उसमें बहुत सारे गरीब है, जिसे खाने पीने की बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो मेरे पास एक बहुत बड़ा हैंड है कि जो मेरे कोचिंग संस्थान से वो 20-25 बच्चे जो सरकारी जॉब में है, जब भी कोई बड़ा फंक्शन करता हूँ तो उसमें सबका डोनेट होता है। वो जानकारी दे नहीं दे, उसको जानकारी पत्र के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो ही जाता है, तो वो गरीबों के मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और उन्होंने ही कोई 10,000, कोई 20,000, इस तरह से बहुत सारे सहयोग आया, और मैं उन तमाम गरीब लोगों के घर घर जाकर, क्योंकि लॉकडाउन में तो एक जगह हम बुला नहीं सकते थे, सोशल डिस्टेंस लॉकडाउन था, सोशल डिस्टेंस का पालन करना था, तो वो राशन पानी जो खरीद कर उसके घर घर जाकर पहुंचाया, और मुझे आत्मसंतुष्टि होती है कि मैं गरीबों के घर जाकर उसके चूल्हे जो बंद थे उसे जलाने का प्रयास किया, और मैं आगे भी इसको जारी रखूँगा। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी
इस वैश्विक महामारी में जहां एक दूसरे का साथ देने के लिए कोई खड़े नहीं है, आप मानवता की सेवा में खड़े हैं और आशा करते हैं कि आप आगे भी निरंतर जन कल्याण में लगे रहेंगे। सर, लगातार बारिश होने से और साथ ही साथ नदियों के जलस्तर बढ़ जाने से बेगूसराय का बहुत हिस्सा बाढ़ से प्रभावित रहा, तो बेगूसराय के वैसे लोग जो बाढ़ से प्रभावित रहे उनके राहत और बचाव में आपकी क्या भागीदारी रही? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेगूसराय नगर निगम 45 वार्डों से बना है और इसका 3 से 4 वार्ड, वो 4 है, 5 है, 6 है और 19 है और 17 भी, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और उस वार्ड के क्षेत्र में इतनी वार्ड की स्थिति खराब हुई कि 5-6 के जो जनता थे वो सबको 7 नंबर में आना पड़ा। तो उस परिस्थिति में मुझे बैठना नहीं था, उन तमाम लोगों की खाद्य सामग्री की समस्या उत्पन्न हो गई, पानी पीने की समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि सभी चापाकल में पानी आ गया था, बाढ़ का जलस्तर इतना बढ़ गया था कि सभी का घर डूब गया था। उस परिस्थिति में फिर वही मैं किया जो मेरे दोस्त था, जो मेरे सहपाठी थे, जो समिति के सदस्य थे और जो इम्प्लॉयड जितना मेरे कोचिंग संस्थान से था, सभी के सहयोग से प्रत्येक दिन नाव से सुबह शाम का खाना और पानी जार लेकर जाते थे और जितना बाढ़ प्रभावित लोग था उसको अपने निजी, ना कि नगर निगम के द्वारा, अपने निजी फंड से उन तमाम लोगों का मैंने सेवा किया, जबकि वो मेरा वार्ड नहीं था। लेकिन मानवता होती है, मानवता वार्ड नहीं देखता है, जगह नहीं देखता है, मानवता सिर्फ मानव देखता है। अगर कोई मानव कष्ट में है तो उनका निराकरण करना के उसे बचाना चाहिए, यही मानवता है। ऐसा नहीं कि मैं जिस वार्ड का हूँ उस वार्ड में कोई विभिषिका या कोई महामारी आए तब मैं करूँ, अगर आसपास में भी आए तो जब बाढ़ या इस तरह की जो आपदा आती है उस समय तो सिर्फ जन कल्याण दिखता है। जी जी। अच्छा, आपने लगातार बाढ़ हो, कोरोना हो या जो भी इस तरह की आपदा आती है, आपने कहा कि जिस छात्र को आपने पढ़ाया निःशुल्क, कहीं ना कहीं आपने उन्हें निःशुल्क शिक्षा दिया जिसका लाभ लेकर वो विभिन्न सेवा में कार्यरत हैं और आज उनकी पूरी टीम, बड़ी बात है कि आपने एक पूरी टीम बनाई हुई है और उनके सहयोग से एक जो होता है कि सब कोई 2000, कोई 4000, कोई 5000, कोई 10000 इस तरह से सहयोग करके आप जनहित में कार्य कर रहे हैं, ये अपने आप में हमारे संपूर्ण मानव के लिए एक मिसाल है और हम आशा करते हैं कि जो कोई भी दर्शक इसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी मानव कल्याण में आगे आएंगे। इसके लिए बहुत बहुत बधाई पुनः एक बार आपको। सागर जी, आज लॉकडाउन चल रहा है, अभी लगातार 5-6 महीने से ये लॉकडाउन जारी है और अनलॉकडाउन भी आया, बहुत सारी चीज़ें बंद भी हुई, बहुत सारी चीज़ें शुरू भी हो गई हैं, लेकिन मार्च से ही देखा जाए तो हमारे सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और आप जानते हैं कि जो सरकारी संस्थान हैं उनको तो उनका, यूं कहें तो उनका आमद है वो सरकार के द्वारा उनको दिया जा रहा है, जो उनका वेतन है, लेकिन जो निजी संस्थान में पढ़ाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, कहीं ना कहीं इस वैश्विक महामारी के दंश के कारण आज वो घर पर बैठे हुए हैं, शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, तो उनके परिवार का भरण पोषण चलना मुश्किल हो गया है। आज वो बेचारे बहुत ही बदहाल और यूं कहें तो उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है, तो आपको नहीं लगता कि हमारी सरकार को निश्चित रूप से उसकी ओर ध्यान देना चाहिए या क्या किया जाए कि शैक्षणिक संस्थान, चूँकि बच्चे भी लगातार नहीं अध्ययन कर रहे हैं जिसके कारण उनका पठन पाठन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है और हमारे वो लोग जो इससे जुड़ाव है, जिससे उनका परिवार चलता है, आज वो भी बहुत ही दयनीय स्थिति में है, क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप इसके बारे में, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं उन शिक्षकों को जो कोचिंग संस्थान मार्च से लेकर अभी तक कोरोना वायरस के कारण बंद है, इसमें सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप मार्केट, मॉल, ये सब आप खुलवा सकते हैं तो जो कोचिंग संस्थान है, जो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, उसको क्यों नहीं खोला जा सकता है? क्योंकि जो जिस कोचिंग संस्थान में बच्चे पढ़ने जाएंगे वो खुद समझदार है, वो खुद पढ़े लिखे हैं, उसको मालूम है कि सोशल डिस्टेंस क्या होती है। आप एक गांव में जाइएगा तो सोशल डिस्टेंस या किसी चीज़ के अवेयरनेस के द्वारा उसको समझाइएगा, तब आपका जागरूकता के द्वारा समझाइएगा, तब आपकी बातों को वो फॉलो करेगा, वो समझ पाएगा। लेकिन एक पढ़े लिखे इंसान को सिर्फ एक बात बोलने से या मीडिया या समाचार के माध्यम से वो उस चीज़ को भलीभांति जानता है। तो निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि जो टीचर है, जो प्राइवेट जॉब करते थे, उसकी सहायता के लिए
कुछ आर्थिक मदद दे, जिस तरह वह गरीबों को प्रवासियों के लिए कुछ कर रहे हैं उसको कुछ राहत मदद दे, और कोचिंग को पुनः चलाने का आदेश दिया जाए, भले सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन के लिए उसके नियम बनाए जाएं, उसके बैच को, जैसे वो उनका बच्चों की संख्या बैच में ज्यादा है तो उसे कम तक किया जाए, बेंच को डिस्टेंस में रखा जाए, यानी कि इस तरह की व्यवस्था किया जाए, लेकिन शैक्षणिक संस्थान खुलने चाहिए। तो राम सागर जी, चूंकि मैंने पहले भी आपसे ये प्रश्न किया था और मैं पुनः एक बार, चूंकि हमारा भारत युवाओं का देश है और आज हमारे युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की समस्या। आज उनके पास रोजगार नहीं है, जिसका दंश है कि वो बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं और कहीं ना कहीं हताश और निराश हो रहे हैं। चूंकि आपने बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षा पास किया है, तो जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमारे युवा साथी, आप पुनः उनको क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे जिससे उस परीक्षा को वो पास करें और आगे बढ़ें? मैं उन तमाम छात्रों से यही कहना चाहता हूँ कि कठिन परिस्थितियों में, हमेशा मुश्किलों में ही पढ़ाई करनी चाहिए, अपने पेशेंस को कभी नहीं खोना चाहिए, और जो समस्या आता है उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। कठिन परिश्रम, साहस और धैर्य के साथ जो बराबर नियमित रूप से जो अपने मेहनत के बल पर जो कभी उससे पीछे नहीं हटते हैं और मेहनत करते हैं, निश्चित रूप से वह एक सफल छात्र होगा। चाहे वैकेंसी बहुत ही कम आए, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि सरकार अगर आर्थिक रूप से या कमज़ोर बच्चों के लिए अगर कुछ नहीं कर रही है, और इसलिए नहीं कर रही है कि सरकार के पास कोई प्री प्लान योजना नहीं है युवाओं के लिए। अगर ऐसी योजना बनाई जाए, औद्योगिक कारखाने लगाए जाए, इंडस्ट्री लगाए जाए, तो निश्चित रूप से जॉब का क्रिएशन होगा, और जब जॉब का क्रिएशन होगा तो बच्चों में एक अजब का उत्साह होगा, पढ़ने में उसे मन लगेगा। क्योंकि जब वैकेंसी निकलती है तो यह परंपरा चली आती है कि उसको पढ़ने में मन लगता है, जब वैकेंसी नहीं आती है तो कोई भी आदमी शिथिल पड़ जाता है। तो सरकार इसके प्रति अभी तक भी जवाबदेह नहीं है। सरकार बेरोजगारी को और बढ़ा ही रही है, घटाने की बजाय और बढ़ा ही रही है, क्योंकि उसके बारे में अभी तक कोई सकारात्मक सोच और प्लान ना केंद्र सरकार के पास है, ना बिहार सरकार। सरकार को चाहिए कि एक नीति बनाए और जो हमारी परंपरागत उद्योग रहे हैं, जो हमारे कुटीर उद्योग रहे हैं, उसको भी बढ़ावा दिया जाए और अवसर अधिक से अधिक युवाओं के पास अवसर हो, जिससे उसका लाभ हमारे युवाओं को मिल सके और हमारा भारत आगे बढ़ सके। सागर जी, जो पिछले 2 महीने से हमारे डॉक्टर साहब रोशन सर के द्वारा जो एक मुहिम चलाई जा रही है केवी स्टूडियो के माध्यम से, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, जिसने बेगूसराय के स्टार्स को मंच दिया है अपने विचार रखने का, तो इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले केवी स्टूडियो और रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस मंच और जिस प्लेटफॉर्म को उन्होंने तैयार किया है, यह प्लेटफॉर्म, यह मंच निश्चित रूप से बहुत ही ऊंचाइयों को चूमे, आगे बढ़े। इस मंच के माध्यम से वो तमाम गरीब बच्चे जिन्होंने अपने मेहनत और साहस के बल पर कुछ अच्छे कार्य किए, और उस कार्य को इस मंच पर आकर केवी स्टूडियो जो उसके अंदर सम्मान और जो सम्मान वो प्राप्त किया है उसको अब दिखाते हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जो उसके अंदर प्रतिभा है उसको कैसे निखारा जाए, और इस मुहिम में केवी स्टूडियो और हमारे रोशन सर ने इस मंच को तैयार किया, और ये मंच जो निःशुल्क है, ऐसा नहीं कि जो यहाँ आते हैं इंटरव्यू के लिए उसके लिए कोई फी दिया जाता है, तो ये निःशुल्क और सामाजिक सोशल वर्क के द्वारा, जैसे वो चिकित्सा के क्षेत्र में भी, उसको अगर इस जमाने में कहा जाए तो ईश्वर के बाद अगर दूसरा स्थान है तो वो डॉक्टर और चिकित्सक का ही होता है, और दूसरी ये सामाजिक कार्य जो उन्होंने इसको वीरा उठाया है और करने का जो ये साहस दिखाया है, मैं इनके लिए रोशन सर को अपने दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और चाहता हूँ कि केवी स्टूडियो और रोशन सर बहुत ही ऊंचाई को चूमे और बेगूसराय में इनका स्टूडियो अव्वल नंबर का दर्जा प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपने व्यस्तम समय से हमारे स्टूडियो के लिए समय निकाला और हमारे इस मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय को बल दिया। बहुत बहुत आभार आपका भी बहुत बहुत।